मरकजी वजीर सियाहत जी किशन रेड्डी ने रियासत तेलंगाना के अवाम पर जोर दिया कि वो मुल्क की आज़ादी की डायमंड जुबली तकारीब के हिस्से के तौर पर 13 से 15 अगस्त के दरमियान अपने घरों पर तिरंगा लहराए। मरकजी हुकूमत की जानिब से आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम का अहतमाम किया जा रहा। शहर में आज मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए मरकजी वजीर सियाहत किशन रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत आज़ादी का अमृत महोत्सव कमेटी तशकील दी गई है और इस कमेटी में 250 अरकान का तकरीर किया गया है। रेड्डी ने कहा कि मुजाहिदीन आज़ादी की अजीम कुर्बानियों के नतीजे में मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिली थी। तमाम कायदीन को सियासी वाबस्तगी को बालाए ताख रखते हुए मुल्क की तरक्की के लिए काम करना होगा। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने इस साल जश्न आज़ादी को बड़े पैमाने पर मनाने का फैसला किया है। मुजाहिदीन आज़ादी को खराज पेश करने और इनकी कुर्बानियों को याद करने के लिए मुल्क के तूल और अर्ज में मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 2047 में मुल्क की आज़ादी के 100 साल मुकम्मल होंगे, जो तमाम हिंदुस्तानियों के लिए तारीखी लम्हा रहेगा। रेड्डी ने कहा कि मुल्क की तमाम रियासतों के वज़ीरे आला के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए खिताब करेंगे और इस दौरान तमाम वज़ीरे आला से ख्वाहिश करेंगे कि हर घर घर तिरंगा नारे के साथ कौमी परचम लहराने का प्रोग्राम मुनक़िद करें। उन्होंने कहा कि हुब्बुल वतनी पर मबनी गीत 2 अगस्त को जारी करेंगे। वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी और अमित शाह पंगली वेंकैया के अफराद खानदान को तहनीत पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि एपी के लमसांगी के मुकाम पर 35 करोड़ के मुसारिफ से अलवरी सीतारामा राजू म्यूजियम कायम किया जाएगा।